क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में जनेऊ पहनने का जो पुराने समय से जो रिवाज चला आ रहा है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है, इसके पीछे का क्या अभिप्राय था या क्या अभिप्राय है? ये अलग बात है कि आज ये उपनयन संस्कार केवल एक कार्यक्रम बन के रह चुका है, लेकिन आपको पता होगा कि ये उपनयन संस्कार जब शिष्य अपने गुरु के पास गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचते थे, तो गुरु अपने शिष्य का परीक्षा लिया करते थे और परीक्षा स्वरूप शिक्षा दीक्षा देने से पूर्व उनका उपनयन संस्कार करवाते थे, उनको जनेऊ धारण करवाते थे, मुंज मेखला जिसको कहा जाता है। वैसे तो ये जनेऊ साधारण से सूत का बना हुआ तीन धागा होता है, लेकिन इस तीन धागे के पीछे का अभिप्राय ये हुआ करता था कि ये तीन धागों के रूप में गुरु अपने शिष्य से तीन महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा संकल्प करवाते थे, प्रतिज्ञा करवाते थे, और वो तीन महत्वपूर्ण संकल्प या प्रतिज्ञा जो तन मन और वचन का हुआ करता था। शिष्य अपने गुरु के प्रति तन मन और वचन से समर्पित हुआ करते थे, इसके पीछे का यही अभिप्राय है। वैसे वेदों के अनुसार उपनयन संस्कार मनुष्य का दूसरा जन्म हुआ करता है, या मनुष्य को ईश्वर के समीप पहुंचाने का कार्य करता है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति से ही हम ईश्वर को जान और समझ सकते हैं। तो ये भी एक अभिप्राय था जनेऊ धारण करने का या उपनयन संस्कार करवाने का। यकीन मानिए, यदि आप अपने जीवन में इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने जीवन में लाते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, यदि आप तन मन और वचन से समर्पित होकर के किसी भी कार्य को करते हैं या कुछ भी पाने की चेष्टा रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होइएगा। यदि आप तन मन और वचन से पूरी निष्ठा के साथ समर्पित हैं तो। धन्यवाद।